अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मजे में हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, वीवो अपनी एक्स सीरीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आएगा, और वीवो लेकर आ रहा है। जी हाँ, वीवो ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपनी एक्स सीरीज को, यानी कि वीवो X60 प्रो हमें काफी जल्दी पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एक ट्रूली फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से, तो फ्लैगशिप ही, लेकिन मैं उसको फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन कहूंगा। मेरे ख्याल से वो एक अच्छी प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन आएगा वीवो की तरफ से, और किलर स्पेसिफिकेशन होने वाली है स्मार्टफोन की। इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे वीवो X60 प्रो के बारे में, क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या एक्साइटिंग है स्मार्टफोन के अंदर, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर तो चैनल के ऊपर नहीं है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, बात करें अगर वीवो के बारे में, तो यार वीवो के अंदर काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। जैसे कि मैंने एक रिसेंट वीडियो में बताया था कि वीवो अपनी ब्रांड स्ट्रेटजी के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है, अपने डिफरेंट स्मार्टफोन को जो है वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। कुछ जम नहीं रही है वीवो को पाकिस्तानी मार्केट उसकी प्राइस स्ट्रेटजी की वजह से। हम तो यही कहेंगे भाई, प्राइस स्ट्रेटजी की वजह से वीवो जम नहीं रहा है, क्योंकि एग्रेसिव प्राइस के ऊपर नहीं आ रहा है, हमें जो है वो ज़्यादा प्राइस के अंदर जो है वो स्मार्टफोन लॉन्च करता हुआ नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से प्राइस स्ट्रेटजी को बेहतर करना पड़ेगा, डिफरेंट लाइन के स्मार्टफोन लेके आने पड़ेंगे, आईक्यू ब्रांड लेके आना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीवो लेके आ रहा है, और अपनी एक्स सीरीज़ को भी पाकिस्तान लेके आना पड़ेगा। देखें, अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ को आपको पाकिस्तानी मार्केट में लेके आना है, क्योंकि आपकी फ्लैगशिप सीरीज़ की वजह से ही आपके जो है वो लोअर मिड रेंज और जो आपके नीचे के स्मार्टफोन होते हैं वो सेल होते हैं, क्योंकि आपकी एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती है कि भाई आप फ्लैगशिप भी बना रहे हैं, आप जो है वो लोअर एंड के स्मार्टफोन भी बना रहे हैं, जैसे कि सैमसंग कर रहा है, ओप्पो भी वैसे ही कर रहा है। हमें जो है वो अपना फ्लैगशिप भी लॉन्च करता हुआ नजर आता है, और नीचे हर कैटेगरी के अंदर एक एक स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है। Xiaomi भी इसी स्ट्रेटजी पे कर रहा है। तो वीवो को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च करने चाहिए, जो कि इस दफा वीवो कर रहा है। वीवो X60 प्रो हमें काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर टीज करना स्टार्ट कर दिया है वीवो ने, यानी कोई शायद हमें जो है वो मार्च के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होते हुए नजर आ जाए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो बात करते हैं यार वीवो X60 प्रो के बारे में। अब वीवो X60 जो सीरीज है उसके अंदर टोटल 3 स्मार्टफोन है, वीवो X60, वीवो X60 प्रो और वीवो X60 प्रो प्लस। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वीवो X60 प्रो जो है वो लाया जा रहा है। अब इस स्मार्टफोन के अगर डिजाइन के बारे में बात की जाए, तो यार डिजाइन इस स्मार्टफोन का क्या सॉलिड डिजाइन है, यानी कि हमें जो है वो काफी स्लीक डिजाइन देखने को मिलेगा। प्रीमियमनेस जो है वो इस स्मार्टफोन के अंदर एंड होने वाली है, क्योंकि यहां पर जो है हमें फ्रंट के ऊपर ग्लास, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, बैक के ऊपर ग्लास, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलने वाला है। थिकनेस स्मार्टफोन की 7.6 mm, यानी कि बहुत ही स्लीक डिजाइन, और वेट भी स्मार्टफोन का कोई 180 ग्राम के आसपास निकल कर आएगा, यानी कि कमाल का डिजाइन जो है यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, USB Type-C की सपोर्ट है। यार डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन जो है वो ट्रूली एक प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन हमें मिलने वाला है वीवो की तरफ से। और डिस्प्ले की बात कर ली जाए, तो डिस्प्ले के अंदर हमें फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, HDR 10 प्लस की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, 6.58 इंचेस का जो है यहां पर हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त किस्म का और क्रिस्प डिस्प्ले हमें यहां पर देखने को मिलेगा। QHD डिस्प्ले नहीं है फ्लैगशिप्स की तरह, यहां पर हमें जो है वो फ्लैगशिप किलर वाला डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो है वो काफी सॉलिड डिस्प्ले इस दफा भी वो हमें प्रोवाइड करने जा रहा है। बैटरी की बात की जाए, तो यार बैटरी के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया गया है इसकी स्लीकनेस की वजह से, क्योंकि यहां पर हमें 4200 mAh की बैटरी मिलेगी और 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा। अब यहां पर जो है वो फास्ट चार्जिंग हमें बेहतर मिलनी चाहिए थी, कोई 65 वॉट 50 वॉट का फास्ट चार्जर होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाना था। 4200 का जो नंबर है वो भी काफी आजकल के अगर देखा जाए 2021 के अंदर, तो 4200 जो है वो लोअर साइड पे जो है वो कंसीडर होगा, हमें 4500 या 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से 4200 से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था बैटरी के साइज, और हमें जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है वो भी काफी बेहतर मिलनी चाहिए थी, लेकिन 4200 mAh की बैटरी है और 33 वॉट का फास्ट चार्जर है, तो मेरे ख्याल से गुजारा कर जाएगा। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इसके कैमराज की, तो इस दफा जो है वो वीवो जीस कैमरा के साथ हमें देखने को मिलेगा। इसका जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, वो जीस का लेंस होगा बेसिकली, जो इससे पहले हमें सोनी और नोकिया के स्मार्टफोन्स के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। काफी सॉलिड किस्म की कंपनी है, और इसको काफी ज्यादा मार्केट भी कर रहा है वीवो, काफी ज्यादा इसको जो है वो पुश कर रहा है कि हम लोग जीस का लेंस यूज कर रहे हैं। तो काफी सॉलिड किस्म का जो है वो इसके बैक के कैमराज होने वाले हैं, और इस दफा क्वाड कैमरा प्रो मॉडल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है।
48 मेगापिक्सल के साथ हमें 13 मेगापिक्सल के दो कैमराज देखने को मिले, दो लेंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें जो है वो एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 13 मेगापिक्सल का हमें जो है वो पोर्ट्रेट 2x की जो है वो क्या कहते हैं उसको लेंस देखने को मिल जाएगा। और जो तीसरा कैमरा देखने को, चौथा कैमरा जो देखने को मिलेगा, कैमरों ने कंफ्यूज कर दिया मुझे, जो फोर्थ कैमरा देखने को मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का 5x का जो है वो ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा उस स्मार्टफोन के अंदर। तो कैमराज जो है वो काफी ज्यादा सॉलिड होने वाले हैं। फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो डॉट डिस्प्ले के साथ कमाल का जो है वो इसका सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मैं डिस्प्ले में बताना भूल गया, यहाँ पर जो प्रो मॉडल के अंदर हमें जो है वो थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फ्रंट के ऊपर जो डॉट है इसका वो काफी ज्यादा छोटा है, बेजल्स काफी ज्यादा छोटे हैं। तो यार ट्रूली एक जो है वो फ्लैगशिप लुक ये जो है वो स्मार्टफोन हमें देता हुआ नजर आएगा। और परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो परफॉर्मेंस के अंदर ये स्मार्टफोन हमें जो है वो एक्सिनोस का 1080 का चिपसेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफी सॉलिड चिपसेट है और फ्लैगशिप लेवल की हमें जो है वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। अगर इसको कंपेयर करें स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ, तो स्नैपड्रैगन 865 के साथ आप इसको कंपेयर कर देते हैं, बिल्कुल एज टू एज है 865 और 1080, मेरे ख्याल से जो है वो सिमिलर किस्म की जो है वो वैसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर इसको कंपेयर करेंगे आप 888 के साथ, तो मेरे ख्याल से 888 काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है और इससे ज्यादा बेहतर चिपसेट है। और अगर 870 के साथ करेंगे अगर इसको, तो 870 भी जो है वो इसे स्लाइट एज लेके जाता हुआ नजर आता है। तो आप जो बेस्ट कंपेयर कर सकते हैं इस चिपसेट को स्नैपड्रैगन के साथ, वो आप स्नैपड्रैगन 865 के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो काफी फ्लैगशिप लेवल की जो है वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर से। यहां पर आपको जो है वो काफी अच्छी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी। एक्सिनोस का जो 1080 है वो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से काफी एक सॉलिड चिपसेट निकल के आता है, शायद इसी वजह से जो है वो बैटरी का नंबर भी 4200 रखा गया है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बहरहाल अगर इसके चिपसेट के हवाले से ओवरऑल बात करें तो यार मेरे ख्याल से एक फ्लैगशिप कैटेगरी का चिपसेट है और काफी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। अब ओवरऑल बात कर ली जाए वीवो X60 Pro की, तो यार तीन चीजों के ऊपर जो है वो मेन फोकस होगा। इसका कैमराज काफी सॉलिड कैमराज मिल रहे हैं, इसका डिजाइन यहां पर हमें काफी स्लीक और जबरदस्त किस्म का प्रीमियम डिजाइन मिलने वाला है, और तीसरा इसकी जो है वो परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो काफी सॉलिड होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन जो है वो काफी जबरदस्त निकल कर आने वाला है। और बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो टोटली डिपेंड करेगा कि यार ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, वो 1 लाख से ऊपर ही लॉन्च किया जाएगा अगर वीवो के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, क्योंकि हमें जो है वो एग्रेसिव प्राइस तो वीवो की तरफ से मिलती ही नहीं है ना। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन हमें 80-85,000 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन होगी। 80,000 के अंदर अगर ये स्मार्टफोन आता है तो एक जो है वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल कर आएगा वीवो को। और मेरे ख्याल से यार वीवो को इस दफ़ा जो है वो बेहतर प्राइस के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो मेरे ख्याल से वीवो की मार्केट बिल्कुल डाउन हुई है, कोई स्मार्टफोन नहीं बिक रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, 50,000 से नंबर गिर कर 20,000 के ऊपर आ चुका है, और इससे भी नंबर जो है वो गिर रहा है। तो अगर तो बेहतर नंबर्स करने हैं वीवो को, तो आपको जो है वो एग्रेसिव प्राइस के साथ आना पड़ेगा। वीवो X60 Pro आपको 80,000 के अंदर लॉन्च करना पड़ेगा, तभी ये स्मार्टफोन सेल होगा। लॉन्च डेट के हवाले से बात की जाए तो मेरे हिसाब से यार ये स्मार्टफोन जो है वो विद इन मार्च आपको जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा, मार्च के एंड तक जो है ये स्मार्टफोन आ जाएगा। और आप लोग क्या कहोगे यार वीवो X60 Pro के बारे में, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या प्राइस होनी चाहिए, सब कुछ बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई तो सजेशन दीजिएगा कि यार वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आ रही। दिस इज सैफ राणा साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।